आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की बर्फी, जिसको घिया भी कहते हैं और दूधी भी कहते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है घिया लौकी, जिसको मैंने कद्दूकस किया और उसको पानी, जितना मैंने हाथ से पानी निकाल सकती थी उतना निकाल लिया। और इसके लिए चाहिए मावा, खोया, जिसको मैंने थोड़ा हल्का 250 ग्राम मावा लिया है, जिसको मैंने हल्का सा भून लिया है। थोड़ी सी इलायची चाहिए, पिसी हुई इलायची, थोड़ा से काजू, थोड़ा से ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश और 200 ग्राम के करीब चीनी। चीनी को आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं टेस्ट के अनुसार। चलो बनाते हैं लौकी की बर्फी। कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। इसमें लौकी डाल देंगे। फ्लेम हमने कम रखनी है, सिम सेट पे रखना है, ताकि ये लौकी जो है कढ़ाई के साथ चिपके ना, और उसका धीरे धीरे हिलाते रहना है। दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि ये थोड़े सा पक जाए, लौकी जो है थोड़ी सी पक जाए। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, लौकी हमारी करीब करीब पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम शुगर, जब शुगर डालेंगे तो लौकी अपने पानी छोड़ देगी, तो इसको हम थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देंगे, ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। देखो लौकी ने अपना पानी काफी छोड़ दिया है। अब इसको हाई फ्लेम करके इस पानी को हम सुखाएंगे। इसको लगातार चलाते रहना है, ताकि वे चिपके ना। काफी हद तक इसका पानी सूख चुका है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची। इलायची से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें डालेंगे हम लोग मावा, जिसको मैंने कि पहले भून लिया था हल्का सा। इसमें थोड़े से काजू भी डाल देंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी, तब हम इसको बंद करेंगे। देखो अब अच्छी तरह से ये भून चुकी है, ये अब चिपक भी नहीं रही साथ में। गैस को करेंगे बंद। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे।
मैंने ये एक प्लेट ली है, इसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर लूंगी। और ये मटेरियल मैं इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से फैला दूंगी। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर मैं अब ठंडी होगी मैंने काट दिया।